दोस्तों, मेरे जो भी वीडियो हैं, जो भी बातें मैं आपसे करता हूं, मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कंटेंट राइटर्स की, एनिमेटर्स की, कोई बहुत बड़ा जुगाड़ नहीं है, बहुत सारा किताबें नहीं है, कोई मैंने MBA नहीं किया है। जो कुछ आ रहा है आपके पास, दो चीज़ें हैं। पहला, मेरे तजुर्बे से आ रहा है, 43 साल के सक्सेस, फेलियर, धक्के, धूप में जला हूँ, पैदल चला हूँ, बहुत सारी ज़िंदगी में फेलियर्स और सक्सेस देखे, उन सब तजुर्बे से और अपने दिल से जो भी कंटेंट लाता हूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बहुत नॉर्मल सरकारी स्कूलों में पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ दोस्तों, दिल से बोलता हूँ और तजुर्बे से बोलता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुरेश मंचरमानी, को फाउंडर तजुर्बा, सीरियल एंटरप्रेन्योर विद 43 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रेसिडेंशियल अवार्डी, 2-time टेड स्पीकर एंड ऑथर ऑफ 4 books, सर्टिफाइड बिजनेस कोच एंड OKR स्पेशलिस्ट। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज गोल्स के बारे में। 10 things अबाउट योर गोल्स यू मे नॉट हैव नोन। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं, छोटी उम्र, बड़ी उम्र, अमीर, गरीब, स्टार्टअप, एस्टैब्लिश बिजनेसमैन, और मुझे ये सोच के और सुन के बड़ी हैरानी होती है कि उनके पास कोई गोल्स ही नहीं है। वो कहते हैं, हमने तो शुरू किया था, चलते चले गए, गोल्स का तो उनको मतलब ही नहीं मालूम, और अगर है तो 1 जनवरी को गोल बनते हैं, इस साल ये करेंगे, इस साल सेहत बनाएंगे, इस साल इनकम बढ़ाएंगे, इस साल सेल्स बढ़ाएंगे, इस साल सिगरेट छोड़ेंगे, इस साल शराब छोड़ेंगे, इस साल मीठा छोड़ेंगे, और 10 जनवरी तक वो गोल ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। तो आइए गोल्स के बारे में बात करते हैं। पहला तो गोल्स होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि एक समुद्री जहाज, एक शिप अगर सेलिंग पे निकला है और कैप्टन को डेस्टिनेशन नहीं पता, तो 99.9999% वो शिप कहीं ना कहीं तूफान में भटक जाएगा, कहीं ना कहीं किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा, जो टाइटैनिक पे हमने देखा। लेकिन अगर कैप्टन को गोल पता है, मुझे यहां से सिंगापुर जाना है, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, तो 99.9999% वो शिप वहां पहुंच जाए। अरे शिप को छोड़िए, आप घर से निकले हैं, आप अगर हम दिल्ली की बात करें, आप रजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली से निकले, आपको पता है कनॉट प्लेस जाना है, तो आप कनॉट प्लेस तो पहुंच ही जाएंगे, चाहे वो मेट्रो से पहुंचे, चाहे गाड़ी से पहुंचे, चाहे पैदल पहुंचे, चाहे साइकिल से पहुंचे, कैसे न कैसे पहुंच तो जाएंगे। लेकिन पता ही नहीं है घर से निकलेंगे कि कहाँ जाना है, तो आप घूमते रहेंगे गोल को और कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो आइए गोल्स के बारे में बात करते हैं। पहला जो है, जो भी आप गोल सेट करें, बहुत से लोग सेट करते हैं इस साल मुझे इनकम करनी है, 10 करोड़ की सेल करनी है, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट करना, बस वहीं तक हो गया गोल। ये दोस्तों गोल नहीं है। गोल को अगर सेट करना है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, ब्रेक इट डाउन। अगर आपकी 10 करोड़ सेल करनी है साल, तो वो 10 करोड़ को आप महीने में बांट लेंगे, 80 या 90 लाख रुपए आपका महीना में, उस महीने को हफ्तों में बांटिए, हफ्ते को दिन में बांटिए, और उसके अराउंड अपने एक्शन प्लान सेट कीजिए कि मुझे रोज कौन से एक्शन लेने हैं। हम एक बहुत बढ़िया मेथड बात करते हैं, मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। OKR के जरिए मैंने बहुत सारे मेरे बिजनेस ओनर जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनकी 90 दिन के अंदर सेल्स दुगनी हो गई, 90 दिन में प्रॉफिट बढ़ गए, मैंने 90 दिन में 25 किलो वजन कम किया, डायबिटीज रिवर्स कर दी। तो एक बहुत बहुत सॉलिड, गूगल, उबर, अमेजोन, ये सब लोग ये OKR मेथड को यूज़ करते हैं, जो छोटे बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं है, जिसको मैं अकेला इंडिया में एक ऐसा कोच हूँ जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स और इंडिविजुअल्स को, चाहे आपका बिजनेस छोटा है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ लें, OKR का मेथड लगा दिया और 90 दिन का एक गोल बना दिया, तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो उस गोल को, जो आपका साल का गोल है, महीनों में करें, महीने को हफ्ते में करें, और फिर उसको अराउंड एक्शन पॉइंट बनाएं और ट्रैक करें। आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल आप पहला पॉइंट ये समझिए कि गोल जरूर बनाएं और गोल को ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर गोल्स और उसको 90 दिन के 4 क्वार्टर में बांट लें। जैसे आजकल आप देखेंगे 1 अप्रैल से अभी नतीजे आने शुरू हो गए, कल TCS के नतीजे आए हैं, तो कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तिमाही रिजल्ट जिसको बोलते हैं, स्कूल के सेमेस्टर क्वार्टरली होते हैं, हमारे मौसम क्वार्टरली होते हैं, तो कुछ उसके पीछे साइंस है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जरूर करिए कि जो आप गोल लिख लें, सालाना गोल्स को 3 महीने में, महीने में और हफ्ते में बांट लें, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। आगे और बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो दोस्तों अब आपने गोल्स बना लिए,
आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड भी कर लिया, महीने का कर लिया, क्वार्टरली कर लिया, हफ्ते का कर लिया। अब उसको ट्रैक करना, पीटर ड्रकर ने कहा था, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। आप जिस चीज को मेजर करेंगे, नाप तोल करेंगे कि कितना अचीव हुआ, तब वो गोल की संभावना अचीव करने की या क्या एक्शन पॉइंट चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा पहले। तो गोल का एंड तक इंतजार नहीं करना है, जो भी आपने उसके एक्शन पॉइंट लिखे हैं उसको वीकली ट्रैकिंग करनी है। ओकेआर की खूबसूरती यही है, ओकेआर होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, आप गूगल करेंगे आपको भरा हुआ मिल जाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज मल्टीनेशनल, हजारों करोड़ लाखों करोड़ की कंपनियां, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां है, ये सब ओकेआर को यूज। और दोस्तों अगर आप गूगल पे ओकेआर सर्च करेंगे तो एक सर्च डालिए बेस्ट ओकेआर कोच, बेस्ट ओकेआर कंसल्टेंट, बेस्ट ओकेआर ट्रेनर इन इंडिया, तो आप पाएंगे वहां पर टॉप पर सुरेश वंशरमानी, बेस्ट ओकेआर कोच इन इंडिया। तो मैं ही एक अकेला ऐसा कोच हूँ इंडिया में जो छोटे बिजनेस ओनर्स, मीडियम बिजनेस ओनर्स, लार्ज बिजनेस ओनर्स, इंडिविजुअल सबके लिए एक मेरा ये एक बड़ा प्रयास है कि हर एक को गोल ऐसे सिखा दूं कि हर एक की जिंदगी में एक नई सफलता, एक नया जोश भर दूं। बहुत बड़ा मिशन है दोस्तों, देखिए आगे के कैसे ओकेआर से आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों आपने गोल सेट कर दिए, आपने ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे गोल्स में, उसको छोटे छोटे हफ्ते में, महीने में ट्रैकिंग भी शुरू कर दी। अब आता है आपने कमिटमेंट, आपकी कितनी कमिटमेंट है गोल्स के ऊपर। सब कुछ बेकार है, आप ट्रैकिंग कर लेंगे, गोल बना लेंगे, लेकिन आपकी अगर कमिटमेंट नहीं है दोस्तों। मैं आपको अपना उदाहरण दूं तो मैंने जब पिछले साल इन्हीं दिनों कमिट किया अपने आप से कि 90 दिन में मुझे 25 किलो वेट ठीक करना है, अपने सारे ब्लड रिपोर्ट ठीक करने हैं जो 20 साल वाले के ब्लड रिपोर्ट आते हैं वैसे करने हैं, और उसके ऊपर कमिटमेंट माना जीरो चीटिंग। 90 दिन तक मैंने शुगर को हाथ नहीं लगाया, रोटी चावल छोड़ दिए और रोज एक घंटा वॉक, तो 90 दिन में गोल अचीव हो गया। तो अगर आप सीरियस हैं अपने गोल को, चाहे इनकम बढ़ाने में, चाहे सेहत को, चाहे रिलेशनशिप को, जो भी आप करना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, कमिटमेंट दोस्तों 100% नहीं, 101% चाहिए, 1000% चाहिए, 99% नहीं चलेगी। तो वो जोरदार अगर कमिटमेंट है, और होनी चाहिए, अगर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो कमिटमेंट लाइए, गोल्स तो क्या, गोल्स का बाप भी अचीव होगा। दोस्तों अपने गोल्स के अराउंड एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। सपोर्ट सिस्टम से मेरा मतलब है कि अपनी फैमिली में बताइए कि मेरा ये गोल है, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। देखिए आप अगर मीठा छोड़ना चाहते हैं तो आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए, अगर आपके घर वाले रोज आइसक्रीम मंगा के खाएंगे, रोज गुलाब जामुन मंगा के खाएंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। तो एक सपोर्ट सिस्टम, अगर कंपनी गोल है सबको इन्वॉल्व कीजिए, पूरी टीम को साथ बिठाइए। देखिए आपको एक बात बहुत पते की बता रहा हूं, टीम को जब ये लगता है कि हमारी ओपिनियन की वैल्यू की जा रही है, बॉस हमसे भी पूछ रहे हैं आपके क्या सुझाव हैं, आपके आपके क्या सजेशन है, बहुत बहुत बड़ा जोश आ जाता है, वो दे स्टार्ट ओनिंग दैट गोल। वो गोल फिर आपके गोल नहीं रह जाते हैं, कंपनी के गोल उनके गोल हो जाते हैं। तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम अपने चारों तरफ, फैमिली हो, दोस्त हो, स्टाफ हो, टीम हो, मैनेजर्स हो, टॉप मैनेजर्स हो, बड़ा सपोर्ट सिस्टम उस गोल में। अगर कंपनी के गोल हैं तो जब तक हमारा ओकेआर मेथोडोलॉजी ये कहती है कि नीचे से ऊपर तक, चपरासी दरबान से लेके सीईओ तक, सब उस गोल से जब तक अलाइन नहीं होंगे वो गोल अचीव नहीं होगा। वो गोल आपके गोल ना रह के सबके गोल। तो जो कहावत है, कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा, बने सुर हमारा, वो हमारा सुर बन जाता है, वो गोल हमारे बन जाते हैं। तो वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम जरूर क्रिएट करना है अगर आप गोल अचीव करना चाहते हैं, और वो भी हर 90 दिन में एम्बिशियस गोल्स। देखिए जब आप गोल सेट करते हैं तो थोड़ा सा एम्बिशियस हुई है, इतना भी एम्बिशियस नहीं हुई है, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे 10 करोड़ की सेल है, अब आप कहें मुझे 90 दिन में 100 करोड़ करनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप 10 करोड़ को 15 करोड़ या 20 करोड़ सोचिए, कि कई लोगों ने किया है, 4 करोड़ उनकी सालाना सेल थी, 90 दिन में 4 करोड़ कर लिया, उतना तक पॉसिबल है, मैं कर चुका हूं। तो आपने 10 करोड़ का सोचा कि मुझे अब 90 दिन में 10 करोड़ करना है, और या साल में 20 करोड़ या 25 करोड़ करना है, उतना एम्बिशियस होइए आप।
ओवर एम्बिशियस होंगे, गोल फेल हो जाएगा। बहुत कंफर्टेबल होंगे, मजा नहीं आएगा। कि 10 करोड़ पिछले साल किया था, अभी 11 करोड़ किया, वो कोई गोल नहीं होगा। तो थोड़ा एम्बिशियस होने की जरूरत है। अब उसके साथ आपको जो भी गोल अचीव करने के लिए आप एक्शन पॉइंट बनाएंगे, गोल चेंज नहीं होगा। आप गोल्स के ऊपर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, आप फ्लेक्सिबल होंगे एक्शन पॉइंट पे कि मुझे इस तरह की मार्केटिंग करनी है, इस तरह की सेल्स स्ट्रेटजी बनानी है, इस तरह के ये एक्शन लेने हैं वो गोल अचीव करने के लिए। कुछ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, उसको फ्लेक्सिबल रहिए। क्योंकि आप अगर को वीकली ट्रैक करेंगे, हफ्ते के हफ्ते ट्रैक करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा चल रहा है एक्शन, कौन सा एक्शन नहीं चल रहा है। जैसे हम लोग अपनी बात करें, मैं ट्रेनिंग और कोचिंग में, हम लोग फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कोई भी ट्रेनिंग की, तो एक 3-4 तरह के हम हेडसेट डिजाइन करते हैं, 2 चलते हैं, 2 नहीं चलते, फिर 2 नए बनाते हैं, फिर नई टारगेटिंग करते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा करते रहते हैं रोज के रोज, हर हफ्ते करते हैं, उसमें से कुछ हमें ऐसे विनर्स मिल जाते हैं जो एड चलते हैं और उससे काफी सारा रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। सो याद रखिएगा कि गोल फ्लेक्सिबल नहीं है, एक्शन पॉइंट फ्लेक्सिबल है। अब आपने 90 डेज का गोल, साल का गोल तो बना लिया, हाउ अबाउट लॉन्ग टर्म गोल, 5 साल 10 साल, आपका ओवरऑल विजन क्या है? आप यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं, बिलियन डॉलर कंपनी बनना चाहते हैं, 500 करोड़ की कंपनी बनना चाहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहते हैं, आपके क्या एंड रिजल्ट क्या? आप 40 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, आपको 1 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ की पैसिव इनकम चाहिए, क्या आपका एंड गोल क्या है? उस पर जरूर नजर रखिए। आप लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल को जरूर बनाएंगे, लिख के रखेंगे, उसको रोज पढ़ेंगे, रोज उसके ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन काम आप 90 दिन के गोल के ऊपर करेंगे। बट डू नॉट लूज साइट ऑफ योर लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, इस जर्नी में जब आप गोल सेटिंग और गोल अचीविंग की एक जर्नी में चलेंगे, तो आपके सामने बहुत सारी अपनी कंपनी की कमियां आएंगी, आपके अंदर अपनी कमियां आएंगी, बहुत सारे स्टाफ की, मैनेजर्स की कमियां आएंगी, क्योंकि अब आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप नेक्स्ट लेवल अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं गोल सेटिंग के जरिए, OKR के जरिए। वहां पर आपको जो भी इम्परफेक्शंस आएंगी, बहुत कुछ खुलासा होएगा आपके सामने, तो उसको मद्देनजर रख के उसके अराउंड आप कैसे काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये मैनेजर काम नहीं कर रहा उसको निकाल दिया, ये स्टाफ ठीक नहीं चल रहा उसको निकाल दिया, ये गोल अचीवमेंट में ये रोड़ा आ रहा है उसको निकाल दिया। उसके अराउंड आपको स्ट्रेटजी बनानी है। लर्न टू लिव विद दैट इम्परफेक्शन, उसको जरूर आप सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ ऐसा एक्शन ले बैठे जिससे आपका सारा गोल का गोल ही धरा का धरा रह जाए। तो वो इम्परफेक्शन सामने आएंगी, दैट इज ओके, सबके आती हैं, हमारे भी आती हैं। देयर इज नथिंग परफेक्ट इन लाइफ, आपके लोग परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं, बिजनेस परफेक्ट नहीं, टीम परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्शन के अराउंड काम करना है। एक बहुत बढ़िया मैं स्टेटमेंट देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा, यू आर परफेक्ट इन योर इम्परफेक्शन, यू आर परफेक्ट इन योर इम्परफेक्शन। दोस्तों, जब आप गोल सेटिंग करें तो बहुत बार ये सवाल आता है कि कितने गोल बनाए। कई बार मैं स्टूडेंट से एक्सरसाइज कराता हूं, 10, 15, 20, 50 गोल की लिस्ट ले आता, अचीव एक भी नहीं होता, तो वो नहीं करना है। जहां तक अगर आप मेरी सलाह माने, पहली बार तो ऐसा एक गोल बनाए जो जिंदगी बदल दे, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सेहत हो, जो भी एक गोल हो लाइफ चेंजिंग, तो अचीव कर लो यार, उससे बहुत बड़ी मोटिवेशन आ जाएगी आपके अंदर, बहुत बड़ा जोश। ज्यादा से ज्यादा 3 गोल, उससे ज्यादा नहीं। जिंदगी के 3 गोल जो आपकी जिंदगी बदल दे, आपकी कंपनी बदल दे, आपके आसपास लोगों की जिंदगी बदल दे, 3 गोल से ज्यादा नहीं। कोशिश करके 1, फिर देखिए कमाल और जादू, OKR का चमत्कार। दोस्तों, इस 90 दिन की जर्नी में, इस गोल सेटिंग की जर्नी में, ये 1 साल 5 साल के, क्योंकि एक बार 90 दिन की आपको आदत लग गई, लत लग गई, नशा आ गया 90 दिन में गोल अचीव करने का, तो हर 90 दिन में आप नए नए मुकाम हासिल करते चले गए, तो उसमें कहीं भी पॉजिटिविटी को नहीं खोना। हो सकता है पहले 3 महीने गोल नहीं चले, मेरे भी नहीं चलते कई बार, लेकिन फिर उसके नए एक्शन पॉइंट, गोल नहीं बदलता है, एक्शन पॉइंट बदलते चले जाते हैं। इस 90 दिन नहीं चले, अगले 90 दिन ये स्ट्रेटजी नहीं चले, ये स्ट्रेटजी करेंगे। पॉजिटिविटी खत्म नहीं होती, विजुअलाइजेशन खत्म नहीं होती, दिन रात उसका सपना लेते रहते, विजुअलाइज करते रहते। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में गोल 2 बार अचीव होते हैं, एक बार आपके माइंड में, एक बार रियलिटी में। सचिन तेंदुलकर कहते थे कि मैं सेंचुरी 2 बार बनाता हूं, एक बार फील्ड में, एक बार माइंड में, पहले बना लेता हूं कि मेरी ये सेंचुरी आज लगने वाली है, और 99% ऑफ टाइम में बना लेता हूं। आर्किटेक्ट बिल्डिंग 2 बार बनाते हैं, एक बार पहले
ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसकी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो ऐसे ही आपको गोल के साथ होगा, हो सकता है ना अचीव हो, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं खोनी है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को ध्यान रखिए, विजुअलाइज करते रहिए कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया दोस्तों। जरूर होगा, पहले 3 महीने में नहीं होगा, अगले 6 महीने में होगा, अगले 6 महीने में नहीं होगा, 9वें महीने में होगा, लेकिन होगा जरूर। एक बार आपको उसकी टेक्निक मिल गई, एक बार आपकी स्ट्रेटजी कामयाब हो गई, फिर यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, यू विल बिकम लिमिटलेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर गोल अचीवमेंट को, छोटे से छोटे गोल को सेलिब्रेट कीजिए दोस्तों। हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हमेशा अपने को अपनी गलतियों के लिए सिर्फ कोसते रहते हैं। आपने अगर आज एक मान लीजिए डाइट प्लान बनाया और वो डाइट प्लान आपने आज का दिन पूरा 100% अचीव किया, खुशी मनाइए। एक हफ्ता अच्छा गुजरा, खुशी मनाइए। 10% सेल्स ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। हमारे क्लाइंट के यहाँ जब वो 90 दिन के गोल अचीव करते हैं, उस दिन हम लोग लंच बनवाते हैं स्टाफ के लिए, अवार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं स्टाफ को, बहुत बढ़िया एक माहौल, पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है, बड़ी एनवायरमेंट एंथुसियाज्म हो जाती है कंपनी के अंदर। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके जिंदगियां बदल गई हैं बिकॉज ऑफ दिस सेलिब्रेशन। जैक वेल्स हैं जी, के दुनिया की सबसे बड़ी एक वन ऑफ द टॉप कंपनी है, उसके सीईओ रहे हैं, बहुत छोटे एम्प्लॉय से वो ऊपर तक दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी के। उनकी मैंने एक किताब पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी। वो कहते हैं जब मुझे जो भी प्रमोशन मिलती थी, घर में बच्चे लोग, वाइफ, घर डेकोरेट होता था, केक आता था, शैंपेन आती थी, हम सेलिब्रेट करते थे। तो जब आप हर विन को सेलिब्रेट करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर। आज अगर आपको जिंदगी में पहली गाड़ी अगर आपकी आल्टो है, उसको सेलिब्रेट करेंगे तो मर्सिडीज भी आपके पास आएगी। अगर आप मर्सिडीज को देख के दुखी होंगे तो भगवान भी कहेगा ये आदमी तो ऑल्टो से खुश नहीं है, तो मर्सिडीज से भी ये किसी की रॉयल्स रॉयस देख के दुखी होएगा। तो सेलिब्रेट एवरी विन, हर गोल छोटे से छोटा अचीव हो उसको जरूर सेलिब्रेट कीजिए, खुशी मनाइए, टीम के साथ, परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए, सो दैट यू विल अट्रैक्ट मोर सक्सेसेस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली हर कमेंट को रिप्लाई करता हूं, हर रोज़ देखता हूं। और आपको कोई भी सुझाव कुछ भी देना हो कि किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, किस तरह के नॉलेज सेशन आपको चाहिए, मैं काफ़ी समय इसके ऊपर लगाता हूँ, काफ़ी टाइम और पैसा दोनों खर्च होते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों से शेयर कीजिएगा जिनको आप समझते हैं ये वीडियो देखने से कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे अगले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।